चलिए समझ में ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग त्रिभुज चैप्टर देख रहे थे, त्रिभुज चैप्टर देख रहे थे, ठीक है ना। चलो त्रिभुज चैप्टर देख रहे थे और इसमें जो है हम लोग क्या चारों क्लास कर लिए, ठीक है। कल थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा दिए थे ना, तो थोड़ा सुन लेते हैं हम, तब ठीक होगा। आ सब जवाब देगा, सब जवाब देगा भाई, सब जवाब देगा। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब सब देगा। चलो क्वेश्चन नहीं, नाइन्थ वाला सा सब जवाब देगा, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसका सब जवाब देगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, त्रिभुज में कै गो भुजा, त्रिभुज में भुजा कै गो, ऐसे कह के ना बोलो सूत के, त्रिभुज में भुजा कै गो, कौन कै गो, शीर्ष कै गो, और त्रिभुज का जब वर्गीकरण हम लोग किए थे तो त्रिभुज को बांटे थे, है ना। तो भुजा के आधार पर बांटे और कथी के आधार पर, कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर बांटे तो त्रिभुज कै प्रकार के, कोण के आधार पर बांटे तो त्रिभुज कै प्रकार के। भुजा के आधार पर जब त्रिभुज बांटे तो त्रिभुज के क्रम से जो है त्रिभुज का नाम बताओ। पहला त्रिभुज कौन सा होगा, सब बोलेगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु में क्या होता है, सब भुजा बराबर होता है, विषमबाहु में सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज में दो को भुजा बराबर, और उसके बाद विषमबाहु में क्या को भुजा बराबर, एक को भुजा बराबर नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अरे और सब कहाँ रखे, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, कोण के आधार पर जो त्रिभुज के बांटे थे, तो पहला त्रिभुज कौन सा है बताओ, समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। खूब हंस रहे वहां सार आई, तो बुखार ठीक कर देव, कल क्लास छोड़ ले। चलो तो ऐसा चीज जानता ही था सब, ठीक है। लाओ रे कल क्या क्या पढ़ाए थे, कॉपी लाओ तो अपना कल्याण करेंगे, जे जे नहीं आया था ओकरे से पूछेंगे। चलो अब एक चीज बताए थे हम, चलो सब ही बताएगा, कुछ कुछ जो पॉइंट बताए हैं वो सब पहले बताओ। मान लेते हैं त्रिभुज आपका कथी है, ए है इसका नाम, इसका बी है, इसका सी है, ठीक है। चलो अब ई इस पे जो है हम लम डाल दिए, इसका नाम डी लिख दिए, ठीक ना। कोण एस मतलब एस जो है इस पे हम लम डाल दिए, शीर्ष एस ए इस पे लम डाल दिए, तो इसको क्या लिखेंगे, कौन सी लिखल सही है बताएगा सब, ठीक है। ठीक है बताना, बी ए लम ए डी, ठीक है। बी वाला बताएगा सब, ए डी लम बी सी, दोनों और इनमें से यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, बताओ क्या सही हुआ, यानी ए डी लम हो गया बी सी, ठीक है ना। चलो अच्छा मान लेते हैं लम का लंबो है और सामने वाला के सामने वाला भुजा बीसी की कथी है मध्य बिंदु पर मिल रहा है, कथी पर मध्य बिंदु, तो इसका नाम कथी हो जाएगा, यानी सामने वाला ये कोण ए से यानी शीर्ष सॉरी कोण वाला शीर्ष ए से इस पे हम लम डाले और इस तरह से लम डाले कि सामने वाला के कथी हो गया मध्य बिंदु पर मिला, सामने वाला कौन सा बिंदु पर मिला मध्य बिंदु, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्धक नाम होगा, ठीक है। ए नंबर बिना, ठीक है माधिका, सी नंबर दोनों और डी नंबर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बताओ। प्रश्न यह कहे कि शीर्ष ए से हम बी सी पर, सुन लो पहले एक के बार बोलेंगे, सुन लो सही से पहले, शीर्ष ए से जो है हम इस पे लम डालेगा थी पर बी सी पर और इस तरह से लम डाले कि इसके बी सी के मध्य बिंदु पर जो है लम डाला, तो बताइए लम वाला कहानी छोड़ के क्या हो सकता है, अर्धक होगा माधिका होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, दोनों सी 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 सी, किसको किसको लगता है सी होगा,
सबके चलान काट देंगे सबके, समझा ना, बकलेल सब। सी कैसे होगा? माधिका होगा, कथी होगा? माधिका, माधिका होगा। और क्या होगा? तो लम भी हो सकता है, इसको लम भी बोल सकते, क्योंकि लम का भी जिक्र किया है ना हम इसमें। अर्धक नहीं होगा, अर्ध का जिक्र कब होगा? अर्धक कब होगा? जब कया कौन ए को कथी कर रहा है, शब्द विभाजित कर रहा है। हम कहे ऐसा नहीं ना कहे, जब ऐसा नहीं कहे है इसलिए अर्धक नहीं होगा। कह देते तो हो जाता, कहे ही नहीं है इसलिए अर्धक नहीं होगा। कह दे कौन ए को बांट भी रहा है, शब्द विभाजित भी कर रहा है, तो ये अर्धक भी हो जाएगा, माधिका भी हो जाएगा, और क्या बोलते इसको लम भी हो जाएगा, समझा। तो ये सब पॉइंट हम बता दिए थे, अब कुछ पॉइंट और पूछना है। चलिए सर, मिस्टर रोशन कुमार आ जाइए बोर्ड के सामने फटाफट फटाफट, ना तो खड़ा हो जाइए, होती है ना, तो बोर्ड के सामने आ जाइए जल्दी फटाफट। कुछ प्रश्न का जवाब हमको चाहिए ही चाहिए। रोशन चहल कुमार, रोशन को बोलते चहल कुमार, चहल। बहुत ही आसान प्रश्न पूछेंगे तुमसे, लो भाई, यह है समबाहु त्रिभुज है, कथी है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना? तो बताइए 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, ठीक है ना? ये कितना होगा? ठीक है, सरना गौर से, समबाहु त्रिभुज है, ई 70 डिग्री, ई 70 डिग्री, ये कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन ई मान लेते हैं इसका ए बी, कौन सी ऑप्शन ए में है, कौन सी, ठीक ना, कौन सी संभव, कौन सी मतलब मान लो तो है कि 7 × 7 = 14 कितना, 40 डिग्री हो गया। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, कोई नहीं बोलेगा भाई, सबके जवाब रेडी रखना। और ऑप्शन बी है कि कौन ए, कौन बी और कौन सी, ध्यान दो, कौन सी, तीनों सही है, तीनों सही है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हम घुमा के पूछ रहे हैं, और ऑप्शन सी में कह रहा है कि सभी गलत है, सभी गलत हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑप्शन डी जो कह रहा है आपको कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अब बताओ इसमें से कौन सही है, ठीक है? सब देख लो, हम सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, धोने में मजा आएगा, ठीक है? अब बताएगा, आ जाओ बोर्ड पर टिक लगाओ, आइए आइए, आपका कथी बोलते हैं इसको, नहीं क्या बोलते इसको, इसको क्या बोलते हैं, पाँव, आइए सर आपका पाँव पड़ा इस धरती पे कि हम सब धरतीवासी धन्य हो गए, पकड़ो, चलो टीक लगाओ एक के बाद, ठीक है ना, चलिए आइए नेक्स्ट। अब सही गलती की बाद में चर्चा करेंगे, प्रश्न देख लो अच्छा से, कौन त्रिभुज है पता नहीं, समबाहु त्रिभुज ऑलरेडी कह चुके हैं, क्या कौन सा त्रिभुज है ध्यान रखना, आओ रउरा, आओ आओ रउरा, अपने के भी ये लगे, आओ ना यहाँ चंगे टीक लगा, नहीं तो बाद में कहे कि ना, चले आ जाओ आ जाओ, चली आ जाओ, वाह। और सेकेंड बच्चा भी, ये हो सकता है सही भी हो सकता है या गलती भी हो सकता है, लो कमरे के हिला दिया, कहाँ से आता है ऐसा ऐसा, धरती धरने नहीं होगा, धरती डूब जाएगा वैसे करेगा तो। नेक्स्ट आ जाएगा भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चल एकाएगो एकाएगो, हाँ कुणाल आएगा, आ जाए भाई कुणाल, नहीं हार्दिक पांड्या के भाई है कुणाल पांड्या, चलो भाई, ओ तेरी के, बी भी सही, चल यार लगता है हमको सब सही हो जाएगा। आइए सर नेक्स्ट, जो कल उपस्थित नहीं था, कौन है? सपना चौधरी, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, अपने आइएगा, आ जाओ, चल लो चप्पल को छीन लिया रे, हाँ कथी में, चलो आ जाओ, ई लगा दिया, कोई है जो यो लगाएगा, आए आंसर मिल गया है कि अभी बच्चा आंसर, हाँ तो बताएंगे, ए वाला ऐसे हाथ खड़ा करेगा जिसको लगता है ए सही है, यानी ऑप्शन ए सही है, बी वाला जिसको लगता है वैसे हाथ खड़ा करेगा, और सी वाला जिसको लगता है वैसे हाथ खड़ा करेगा, और डी वाला जिसको लगता है वैसे हाथ खड़े करेगा, ठीक है? और तू सके कुछ नहीं लगना चाहिए, पढ़ो आराम से, तुम लोग पढ़ते रहो, पढ़ो तुम लोग आराम से, हाथ भी चेंज कर देना, पढ़ सिंह नहीं से कर देना, हाँ चल हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे करो, कोई भी घर से सही से पढ़ के नहीं आया, आप लोग अपन काम करो भाई। और इसका क्या ये बोल दिया, कथी है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होना चाहिए 60 डिग्री, तो ऑप्शन सी बोला है 40 डिग्री, जो कि पॉसिबल है ये नहीं है, ई भी गेलो, ठीक है?
कौन ए कौन बी और कौन सी, तीनों सही है, बिल्कुल गलत है भाई साहब। 70-70 कहाँ से पॉसिबल होगा संभव में, होगा नहीं होगा, सभी गलत है। यानी यही बात सही है कि सभी कथी है गलत है, ये सही बोल रहा है मानेंगे, ये कैसे सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए सही बोला है मतलब कौन सी कितना है, अब ए सही है मतलब कौन सी 40 डिग्री पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा रे, असंभव होता है ये सब चीज। संभव में ओनली ऑन कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है 60 डिग्री। अरे क्वेश्चन मजेदार है दोस्त, इसको उतारना मांगता है, मजेदार नहीं है, मजेदार न है कह रहा है, लो लिख देते हैं। त्रिभुज एबीसी कथी है, समबाहु त्रिभुज है, सम बाहु एबीसी, ऐसे लिखो एबीसी समबाहु त्रिभुज है, ये क्वेश्चन है और इसका ये ऑप्शन है, ठीक है समझा। ऑप्शन सही मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलो भाई इसको लिख लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, जल्दी लिखो इसको थोड़ा सा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लो। चलिए आ जाओ भाई नेक्स्ट, जल्दी हो गया, आइए चलो ना, तो थोड़े से शुरुआत। कौन सा त्रिभुज है बता, इसका नाम मान लेते पी क्यू आर, उतारते रहो बताओ कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, हटा था नया त्रिभुज कैसे निकल गया, जल्दी बता कौन सा त्रिभुज है, समकोण है, आए कन्फर्म है ना कि समकोण है, जल्दी उतारो थोड़ा सा। चलिए उतार लिया, आए ये समकोण बोला है, किसको किसको लगता है सही है, आए इस समकोण त्रिभुज बोला है, सही बोला है, आए बस इतने आदमी के लग रहा है सही है, ये एकदम सही है बोला है समकोण त्रिभुज आता। चलो समकोण बोला है ना, आए चलो उठो उठो आ जाओ, बाद में लिख लेना नहीं मिटाएंगे। अरे तू नीचे चल जा, तन्नी को आते जाके कैमरा गिरा देता है, पकड़ो। इस समकोण त्रिभुज है, तुमको पता है ना कर्ण को एच लिखते हैं, से लंब को कथी लिखते हैं पी लिखते हैं, और आधार को कथी लिखते हैं आय बी लिखते हैं, याद है ना इस सच्ची। चलो तो कौन कर्ण होगा उसके सामने एच लिखेगा, जो लंब होगा उसके सामने पी, या जो आधार होगा उसके सामने बी, फटाफट लिख के बैठो। चलो हम भी नहीं समझे, इसमें तीन गो है ना भुजा, एक दो तीन, तो तीनों में लंब आधार कर्ण होगा ना, बोल ना जल्दी आए, हाँ तो होगा, तो जो कर्ण होगा उसके सामने एच लिखेगा, जो लंब होगा उसके सामने कथी पी, और जो आधार होगा उसके सामने बी, फटाफट लिख के जाओ। देख रहा है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, चलो आई तू पढ़ ले रहे तहिए के क्वेश्चन, ना पढ़ने वाला तो पूछो बाद में, पहले पढ़ ले रहे जवाब दे, जरूर जानो भाई सब। और यहाँ पे ही बच्चा को कुछ समझ में ना आ रहा है उस स्थिति में हम पीटने की कोशिश कर रहे हैं, लाइए कॉपी देखो, तनका कॉपी देखो, ठीक है ना कॉपी देखो, चलो जाओ लिखो, आ जाओ भाई तू बैठो, इसको भी तनका इंतजार करने देते हैं बाद में थोड़ा सा, किन्ने हैं किन्ने हैं इनने से उपस्थित किन्ने हैं, एमए से कोई प्रेजेंट नहीं था भाई, एमए से सब था, एमए से लड़की वाला सीट में आए वो नहीं था, वो था सीमा कुमार, आए चलो आ जाओ भाई जल्दी जल्दी जल्दी। रे कॉपी उलटवा देंगे अभी, लगा देंगे थप्पड़ तंगा पैक कर, चलो जाओ समझ गया ना क्वेश्चन, आराम से जाना, क्वेश्चन समझ गया ना, चलो भाई साइड होके थोड़ा इधर हो जाओ, इधर 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 होके इधर, हम कैसे पढ़ाते कैमरा में दिखना चाहिए, थोड़ा और इधर हो जाओ, हाँ आप बन ठीक है, चलो ठीक है जाओ, आ देख लो सही है ना एक बार देख लो, हाँ एक बार देख लो, आए ठीक है जाइए, अब जाइए सही गलती तो हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है
चलो अब और कोई बताएगा, आ जा भाई चहल कुमार आइए, तो यही है। चलो तो तू का लाएगा है, इसका भी यही है लेकिन हमारी नहीं है, कथी यही रॉन्ग है, कथी है रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे जवाब दो, बताए थे जो समकोण होगा यानी 90 डिग्री पे एंगल बना उसके सामने वाला कर्ण एकदम सही है, और उसके अलावा कोण दे दे, समकोण के अलावा कोण दे दे तो उसके सामने वाला कथ हो जाएगा पी यानी लंब, तो इसके सामने वाला कथ हो जाएगा पी होगा जो कि बी लिख दिया है, और ये हो जाएगा बच गया से बी। हम बताए थे बी और पी चेंज होते रहेगा, बी और पी चेंज होते, अरे हाथे में है, खड़ा होइए आप भी सर, और ई लीजिए सर, ई लीजिए सर, ठीक ना, नहीं पढ़ के आइएगा, खड़ा होइए सर, अरे देख के आइए देख के, उषा उषा भी नहीं आया था, तू सब बोल ही नहीं रहा था, ठीक है उषा खड़ा हो जाएगा भाई, ये समझ में आया। हाँ तुमसे प्रश्न है, काजल कुमारी मार खा जाएगी, नहीं तो अपन काम करते रहो, तुमसे प्रश्न यह है कि समकोण त्रिभुज में है ना, समकोण त्रिभुज में ठीक है दुगो भुजा बराबर है, है? समकोण त्रिभुज में दुगो भुजा, तो बताओ कौन सही लिख रहे ऑप्शन बताना, ये समकोण त्रिभुज है इसमें दुगो भुजा बराबर है, कौन दोनों भुजा बराबर हो सकता है, पी क्यू बराबर क्यू आर, ठीक है पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर पी आर, और ऑप्शन डी बोला है पी आर बराबर, पी आर बराबर तीनों तो लिख ही दिए, चलो इनमें से कोई नहीं, ऐसा होए भी नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं, फिर ये बोले है कि ये जो है इसमें दो को भुजा बराबर है, तो कौन भुजा बराबर हो सकता है पॉसिबल, कौन ऑप्शन ए ये वाला आए ये है ना, यानी पी क्यू यानी ये वाला, क्यू आर मतलब ई वाला, यानी ये दोनों बराबर है, सही बोला है गलती, ये दोनों बराबर सही बोला है गलती, गलती बोला आए गलती बोला, किसी किसी को लगता है गलती, हाथ उठाइए जरा, ये बोला है कि ये दोनों बराबर है, ये समकोण त्रिभुज इसमें दो भुजा बराबर है, तो ये बोला है ये दोनों बराबर होगा, यानी ऑप्शन ए सही बोला है, तो बताइए आप लोग के अकॉर्डिंग कौन सही बोला है गलती, आए गलती है कि सही, जल्दी बताओ भाई बताओ, समकोण त्रिभुज में हम कहे कि दो भुजा बराबर, तो कौन दो भुजा बराबर हो सकता है, ऑप्शन यानी ई दोनों, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ई दोनों, बी के अकॉर्डिंग कथी होगा पी क्यू, पी क्यू पी क्यू हो गया, और पी आर ई दोनों, ठीक है सी के अकॉर्डिंग हो गया क्यू आर और पी आर, और इनमें से कोई नहीं डी के अकॉर्डिंग, बताएगा सब अरे भाई बोलो कान गला उठा ले, हाँ चलो तू बस आए सही है, किसको किसको लगता है सही, सब थोड़ा नहीं लग रहा है, हाँ आर जिसको नहीं लग रहा है वो बैठे रहेगा, नहीं बैठ जा सब बैठ जा सब बैठ जा, तू रही जिसको नहीं लग रहा है वो खड़ा होइए, हम अभी सही गलती नहीं बोले, एक वो बच्चा है ठीक है, और कोई है एक क्या वो है, चल आप देखिए, आप देखिए ये जो बोला है एकदम सही बोला है, ठीक है ना, तू तो मार खाबे थोड़ा याद ना हो, तू सही से पढ़ के नहीं, ये जो बोला है ई और ये एकदम सही है, अब कारण बताओ क्यों भाई, ये दोनों सही होगा ना, आए एकदम सही है ये दोनों है ना, ई बराबर नहीं होगा, ये दोनों में से कोई बराबर नहीं होगा, क्योंकि ई कथी होता है कर्ण होता है, हमने बताया कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, कर्ण क्या है स्क्वायर जो है, कर्ण का कथी स्क्वायर जो है ये दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, या इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस, कथी बोलते हैं पाइथागोरस परमेय से होता है, इसे दसवां में पढ़ा है, ठीक है ना, अब तुम तो ये बता दिया एकदम पास हो गया, इस त्रिभुज का नाम कथी कह देंगे, तो ये समकोण त्रिभुज था इसमें दो भुजा बराबर हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो भाई तुमको तो लगेगा भाई, हाँ एक बार एक बार एक बार चलो बता भाई, ए तो दोनों मार खाएगा समकोण समद्विबाह, ये भी एकदम सही है, वेरी गुड, यानी दो भुजा बराबर है तो कथी हो गया समकोण समद्विबाहु कह देंगे, समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर है समकोण समद्विबाहु कहेंगे, और इसमें क्या न्यून कोण बनेगा, न्यून कोण इसमें क्या को बनेगा, आए बोलो
एक ए भी सही है, न्यून कौन क्या बनेगा, ए भी सही है, ठीक है। कितना कितना डिग्री का बनेगा आप बता दो, लास्ट क्वेश्चन तुमसे। 60 60, तो भैया ये हो गया 90, 60 और 60 कितना 120, और 90 120 कितना हो गए, 90 120 90 प्लस 120 210, वो तरीके त्रिभुज में पॉसिबल है नहीं, यहाँ तो फंस गया। तनका सा और सही से पढ़ो, ठीक है, तनका सा और सही से पढ़ो। चलिए एक पैना, चलो बैठ जाओ, सही जवाब दिया था, खड़ा नीतू खड़ा जाओ। कितना डिग्री पॉसिबल है न्यून कोण, न्यून कोण कितना डिग्री पॉसिबल है, आए हाँ 60 डिग्री और, चलो भाई तू बताओ, चांदनी घर 45 45 डिग्री, ठीक है। खाली पूजे करे छी कि पढ़बो करे छी, आए पढ़ल कर, पढ़ल कर, 45 45 होते पॉसिबल, ठीक ना, कि दोनों बराबर ना हो जाएगा रे, हाई और हाई बराबर है तो हाई के सामने हाई भी तो बराबर हो जाएगी, ठीक है, तेवी ठीक है, 45 है 23 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, समझा ना रे, संपूर्ण समधि बाहर में दुगुण इनकोण संभव होता है, और जो भुजा बराबर तो उसके सामने वाला दोनों कोण भी बराबर होगा, जब कोण बराबर होता है न्यून कोण दोनों बराबर हो जाएगा, 45 45 डिग्री होगा, 45 या 45 90 या 90 कितना हो, 180। तू पढ़ एको दिन तू नहीं सुना है अभी सही से, मार खाओगी बड़ी मार, चलो बैठो दोनों, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, चलो अंशु कुमार खड़ा हो जाओ। चलिए खाली हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो जान ना कहे ला, आए रिवीजन लागी, हाँ सही बोला, चलो कथी नाम एक उठा दिया रे, कथी नाम है, मान लो त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, कै गो समकोण बन सकता है एक त्रिभुज में, इकाई वाला क्वेश्चन हम बोल दिए, एक त्रिभुज में कै गो समकोण बन सकता है, दो चार गो, पांच गो, दस बारह गो, तो बोला कै गो से, दो गो, तू बता भाई, नहीं नहीं तुम्हारे पीछे कृष्णा, हाँ एको गो ना, तीन गो, तीन गो, चलो सपना बता दो, उबला एक कै गो ली रे तू, दो गो तीन गो, तुरा चार गो, दो गो तो, अरे ए रुक जा, तू नहीं तू नहीं, तुम्हें तू बता बुआ, हाँ तुम ही, दो गो, कृष्णा के बगल में कौन है लड़का, प्रिंस बता दो, ए गो, अरे तू तो सबके लगे बाद ली, आए ए गो है, एकदम सही जवाब है, ताली लगा दो भाई, ताली लगा दो, आप लोग का क्या होगा सर, क्या करे, पीटेंगे तो तय है, कल नहीं याद करता है, ठीक ना, कै गो पॉसिबल है भाई, संभव संभव कै गो, एक त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज समकोण एक गो पॉसिबल, दो गो बोला तो दो गो मिला के 180 हो गया, जबकि तीनों का योग होता है 180, समझ में कहिया आएगा, ये 50 बार से अधिक बार क्वेश्चन पूछ दिए हैं, बताओ 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 बताओ, ये कौन सा स्टाइल मार खा के, ऐसे रख ऐसे सीधा 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 है, देखा एक पना और एक पना, हाँ चल चल चल, क्या हुआ रे, आए चल भाग भाग जल्दी, जो एक जो बकले हल्ला कर रहा है इधर, चलो देखो, है देखो अगला अगला प्रश्न जो है, हाँ यहाँ तो हो गया, ताले के प्रति का आप कुछ क्वेश्चन हम लिखवाएंगे, ठीक है, ताले के प्रति का बगल कौन ये उतारना चाहो तो, नहीं कथी उतारे ये सब तो बहुते बार बता दिए, जो नया होगा वो हम अपने उतरवा देंगे, कल्ले वाला कला जो नहीं किया है ना वो जिंदगी भर पछताएगा, इसलिए जाके यूट्यूब पर क्लास देख लेना, कल्ले वाला, कल्ले वाला क्लास आज जो है डरा जाएगा, अभी 7 बजे यूट्यूब पर जो है लाइव हो जाएगा, कल्ले वाला क्लास एक दिन लेट डालते हैं, ठीक है, तो जाके क्लास देख ही लेना, ग्रुप में आए हम डाल देंगे, आ नहीं देखोगे तो तनको जैया तक मैथ पढ़ोगे तैया तो वो चीज समझ में नहीं आएगा जो चीज समझाए, आ जैया बच्चा कम आएगा तैया हम क्लास घीर देते हैं थोड़ा ज्यादा से, वो ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, सीपीसीटी सुनता होगा, सीपीसीटी बहुत बार सुनेगा, कल क्लास में समझा दिए हैं, तो ये चीज नहीं समझ में आएगा तो फिर हो जाएगा गड़बड़ ब्यास, ठीक है। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, लो भाई कॉपी लाओ तो जरा, हम कॉपी मांग ली तो फाड़ दे, हम कथी करी, हाँ क्वेश्चन लिखवाएंगे, नहीं
कल जो पढ़ाए थे ना उसका थोड़ा सा हम और से थोड़ा सा जो है हाँ इसको मिटा देते पहले। कल हम आपको पढ़ाए थे संगत कोन संगत भुजा का अर्थ, कल पढ़ाए थे संगत कोन संगत भुजा का अर्थ पढ़ाए थे। त्रिभुज सर्वांग समता का कसौटी है ना। चलो ए ध्यान देगा सब, ये दुगो है त्रिभुज कथी है दुगो काहे हंस रहा है रे। ए बी सी पी क्यू आर, तो देखो संगत भुजा असंगत कोण क्या होता है ठीक है। पहले कौन आयल था जो नायल था पहले ओकरा से पूछे, खड़ा हो रे नायल था पहले ओकरे से पूछे। हाँ संगत भुजा असंगत कोण का मतलब बताओ, संगत के मतलब एगो संगत भुजा का मतलब बताइए क्या होगा, असंगत कोण का मतलब बताइए जल्दी। संगत कोण का मतलब कि एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला, त्रिभुज है यहाँ समांतर रेखा नहीं है, अंदर वाला बाहर वाला समझा रहा है। चलो भाई खड़ा हो जाओ। दो त्रिभुज में समान भुजा के संगत कोण कहते हैं, कहाँ से पढ़ ली, हमरे से पढ़ ली जी, ऐसे तब ना पढ़ ली है। खड़ा रहो तुम, खड़ा हो जाए दर्शन कुमार बताओ। हाँ बताओ आमने सामने वाला संगत कौन होगा, ऐसी पढ़ा है। चलो भाई कृष्णा खड़ा जाओ बताओ, सही से बोलो आराम से बोलो कोई दिक्कत नहीं। कौन बोल रहा है ना, तो दो कौन बोला है तो सम्मुख भुजा लेना है। हाँ फिर से बताओ ना, कथी होगा सम्मुख भुजा संगत, सही से बोलो तू। दो त्रिभुज में चलो तुम याद सही से नहीं करता है इसलिए तुमको बोलने में दिक्कत होता है। खड़ा भाई चांदनी का राजा बताओ, दो समान कोनों के सम्मुख कौन को, पूरा गलती है। दो समान भुजाओं के संगत भुजा को समान, मतलब भुजा में भुजा, भुजा में भुजा, भुजा में भुजा नहीं होता है। भुजा में भुजाओं के सम्मुख कौन को संगत भुजा, गलती हो गया याद ना कर ले, टेंशन मत लो। खड़ा वर्षा खड़ा जाओ, ये सबको याद करवा देंगे। समान कौन समूह कौन कथी बोले रिसाइड के लिए क्या बोल रहा है, हाँ बिल्कुल सही बोला है। चलो बिल्कुल सही बोला, बैठिए अब तनका दे अब हम समझा रहे क्या बोला है, समझाया बैठ। क्या बोला है कि दो त्रिभुज में, दो त्रिभुज में है ना, दो गो त्रिभुज में क्या होगा तो भाई साहब समान कोण होगा, तो सब दो त्रिभुज समान कोण के सम्मुख भुजा को संगत भुजा कहते हैं। दो त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा को संगत भुजा कहते हैं, और दो त्रिभुज में कथी अभी बोले, दो त्रिभुज में समान कोण के समान कोण, अरे के का की जा को बतवा बराबर होता है। दो त्रिभुज में समान कथी कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग कथी बोलते हैं, संगत भुजा कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो संगत कोण हो जाएगा, यानी दो त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण को संगत कोण कहते हैं। दैट्स इट, इतना ही है ठीक है। चल एक एक चीज लाओ तो भाई, कॉपी लाओ तो थोड़ा सा एक चीज लिखा है कि नहीं देखे, कहाँ है कॉपी वा, यही है यही है। चल देखो यहाँ पे हिमालय दो त्रिभुज है, इसमें बराबर दे दिया का थी कौन दे दिया है बराबर,
कौन ए दे दिया है तो कथी लेंगे इसमें कौन पी, कौन पी दे दिया है, फिर यहाँ पे कौन बी दे दिया है, यहाँ पे कौन बी है तो इसमें कथी है कौन कौन क्यू है, और कौन यहाँ पे सी दे दिया तो कौन कथी होगा यहाँ पे आर, तो ये कथी आपको दे दिया है बराबर दे दिया है, तो इसमें कौन बराबर दे दिया है ना, तो दो त्रिभुज में समान कौन हो गया, ऐसे बोलेंगे दो त्रिभुज में समान कौन, अब समान कौन दे दिया इसका सम्मुख कथी ले लेंगे भुजा, कथी लेंगे इसका सम्मुख भुजा लेंगे, और वही सम्मुख भुजा कथी होगा संगत भुजा कहलाएगा, समझा, कौन देगा तो सम्मुख भुजा प्राप्त होगा, और भुजा देगा तो उसका सम्मुख कौन प्राप्त होगा, जो कि सम्मुख क्या बोलते हैं कौन देगा ना, कौन बराबर दे दिया तो सम्मुख भुजा आपको प्राप्त होगा जो संगत भुजा कहलाएगा, और भुजा देगा बराबर तो आपको सम्मुख कौन प्राप्त होगा जो संगत कौन कहलाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे कौन दिया है ना तो हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, संगत कौन या संगत भुजा बोलो ना, रे संगत भुजा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ए के सामने कथी है, कौन ए के सामने देखो कथी है, और कौन पी के सामने, तो ये होगा संगत भुजा, ठीक है, कौन बी के सामने, बी के सामने, और कौन क्यू के सामने, तो ये हो गया संगत भुजा, समझ में आ गया, और कौन सी के सामने, कौन सी के सामने कथी है ए बी, और कौन आर के सामने पी क्यू, ये सब कथी हो गया संगत, समझा, तो जब बराबर ऐ देखो जब बराबर कौन देगा तो संगत भुजा प्राप्त होगा, लेकिन लेकिन जब ठीक ना, अब भुजा बराबर दे रहे हैं, देखो जैसे मान लो ए बी जो है बराबर है कथी के, ए बी बराबर है कथी के पी क्यू के, ठीक है, बी सी बराबर कथी के, और ए सी बराबर है ते भुजा आपको कथी दे दिया बराबर, तो भुजा बराबर दिया तब भुजा जो समान भुजा देगा उसका सम्मुख कौन, समान भुजा के सम्मुख कौन, सम्मुख का मतलब होता है सामने वाला, अभी समझा ना ऊपर, सम्मुख कौन चाहे सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने वाला लेना है, जति बोला जति तो सम्मुख सॉरी आपको भुजा दिया गया बराबर ना, समान बराबर समान की होता है, तो बराबर आपको कथी दिया यानी समान आपको भुजा दे दिया है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कौन, समान भुजाओं के सम्मुख कौन पति कहलाता है संगत कौन, समान भुजा के संग कति सम्मुख कौन ना, समान भुजा यानी ए बी लीजिए, ए बी ए बी ए बी का कथी हो गया कौन, कौन सी सामने है ना, ए बी के सामने कौन सी है, और पी क्यू के सामने कथी कौन है, ये हो गया आपका संगत कौन, समान भुजा के सम्मुख कौन लिए रे, समान भुजा के सम्मुख कौन है कि नहीं, समान भुजा कथी कौन सा कौन, सम्मुख कौन है ना, सम्मुख कौन मतलब सामने वाला, बी सी बी सी का कथी होगा ए, और क्यू आर के पी का जो है संगत कौन, समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कौन ले रहा है कि नहीं, फिर लेंगे कौन, ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी के सामने ए सी है, ए सी के सामने कौन, कौन बी, और पी आर के सामने पी आर, पी आर ये सब कथी हो गया संगत, क्या समझा कि जब बराबर कौन देगा, जब बराबर कौन देगा तो संगत भुजा प्राप्त होगा, और जब बराबर भुजा देगा तो संगत कौन प्राप्त होगा, और आगे पढ़ाएंगे, आगे पढ़ा ही दिए हैं कि आगे पढ़ाए ना भाई, क्या पढ़ाए कि दो गो कथि में, दो गो कथि सर्वांगसम त्रिभुज में संगत कौन, संगत भुजा कथि होता है बराबर होता, चलो हम तनका सा रिविजन करा देते हैं, मान लो दोनों त्रिभुज दे दिया है, ए है बी है कथि सी है पी है क्यू है आर है ना, ये दोनों कथी दे दिया है समान, सर्वांगसम दे दिया है कौन, ए बी सी सर्वांगसम है कथी के त्रिभुज पी क्यू, तो इसमें संगत कौन है, संगत भुजा बराबर देगा, तो संगत कौन कथी है ए है, देखो फिगर से समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से देख लेना, यहाँ से ठीक है ना, पहले बताए थे ना, हाँ तो बताओ तो कौन ए है, इसमें कौन ए ले तो इसमें इसका संगत कौन कौन होगा, कौन पी, कौन बी लेंगे तो कौन कथी देगा क्यू, और कौन आर लेंगे तो सॉरी सॉरी कौन सी, अब आर रुक जाओ उल्टा भी लिख सकते हैं टेंशन मत लेना, कौन सी लिए तो कथी होगा कौन, कथी हो गया संगत, संगत कौन कथी होता है बराबर, कब जब दोनों त्रिभुज कथी हो सर्वांगसम, भुजा देख लो इसमें ए भी लिए ए भी तीस मत देगा, इसमें बी सी लिए बी सी
क्यों हुआ? समझ में आ रहा है? और इसीलिए ए एसी को छोड़ के ना तो पी क्यों छोड़ के पी आर ले लेंगे? पता होगा संगत समझाया आए तो वो पढ़ाए थे वो सब रिवीजन करा दिए लेकिन क्लास से देख लेना हर चीज नहीं बता रहे हैं जान से नहीं बता रहे सब चीज बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और कल ही हमने आपको त्रिभुज का कसौटी का नियम पढ़ाए थे और ये जो बराबर होता है किस कारण से बराबर होता है वो भी पढ़ाए तो कल वाला क्लास जरूर देख लेगा सब ठीक है ना समझा। अब एक क्वेश्चन एक हम करा देते हैं जब कोई एग्जाम में आता ही है उसके बाद जो है छोड़ देंगे आपको ठीक है। चलिए चलिए हमने दो गो प्रश्न लिखा है जो कि बहुत अच्छा खासा प्रश्न है अपना से लिख के दिए देखिए क्या कह रहा है। चलो सब ध्यान दो तू लोग भी अरे तू लोग भी ध्यान दो तंगाई दो कह रहा है। प्रश्न पहला समकोण त्रिभुज के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कौन सा कथन जो है गलत है। चार गो ऑप्शन है उसमें से आपको एगो चुनना है कि कौन सा कथन गलत है ठीक ना। अब ध्यान दो असत्य मतलब गलत होता है ना रे असत्य का मतलब सही। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है सही है गलती हाँ। इसमें बोला है कि समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण कैसे होता है 90 डिग्री तीन कोण होता है तीनों बोला है 90 डिग्री तो यही आंसर आपको मिल गया। पहला आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया ये गलती था इसलिए आंसर गलती है ना पूछा था आपसे यही आंसर हो गया 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं बिल्कुल सही है। जहां पे 90 डिग्री कोण बनता है ना उसके सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं ना सही है। जैसे ये हो गया समकोण त्रिभुज लो ये हो गया 90 डिग्री इसके सामने वाला को कर्ण कहते हैं ना रे हाइपोटेनस एच ठीक है ये भी सही है। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण संभव है बिल्कुल सही है इनमें से कोई नहीं हटाओ भाई आंसर तो मिल गया है ना समझा गया। दूसरा प्रश्न समबाहु त्रिभुज के बारे में सत्य कथन का पहचान करें समबाहु त्रिभुज के बारे में सही चुनना है। पहला कह रहा है कथी ऑप्शन कि प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 70 डिग्री होता है। भाई साहब प्रत्येक कोण इसमें न्यून कोण होता है लेकिन 70 डिग्री नहीं कितना होता है तो यहाँ तक कथन सही था यही आके गड़बड़ा दिया। प्रत्येक कितना कितना क्या होता है 60 होता है तो कोई इतने पढ़ता लगा देता टकाक्ष तो हो जाता गड़बड़ समझे ना। प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात कितना 70 डिग्री ना 60 डिग्री होता है 70 दे दिया है अर्थात यह अपना आंसर नहीं होगा हमको तो सही ना चुनना है तो गलती है। सभी भुजा बराबर होता है हाँ ये बात सही है ठीक ना। और ऑप्शन बी में जो टिक लगाएगा वो खाएगा लड्डू गोल गोल ठीक ना। इतना अगुता के न चाहिए कोई चीज में ठीक ना अगुताना सही बात सबर करो थोड़ा सा इसलिए पूरा ऑप्शन पढ़ लो एक बार ठीक ना। नहीं तो लगा दोगे एक जब घस दिया था दोबारा कुछ नहीं कर सकते इसलिए पूरा पढ़ लो जब बोल रहे तो ठीक ना। ए बकलेट पारे थोड़े कह रहे हैं ध्यान इधर विधविधा रहा है उधर बोल रहे इधर ध्यान देने के लिए तो बतिया रहा है। सभी भुजा बराबर होता है तो सही है इसे न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं यानी ई गलती सॉरी ई वाला गलती प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 70 की गलती है। बी सही सभी भुजा बराबर होता है ई सही है समबाहु होता है ना सभी भुजा बराबर समबाहु में प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है 60 डिग्री का होता है ना इसलिए इसे न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं ना आए तो ऑप्शन बी और सी सही है तो ए में टिक लगा कि ए में तो आगे देख रहे कि डी में जो है ऑप्शन डी कह रहा है कि बी और सी दोनों तो ये है ना टिक लगाएंगे भाई हाँ तो बी में लगाता चाहे सी में कोई एक में लगाता तो गलती हो जाता सही होते हुए भी गलती हो जाता रे सही होते हुए भी गलती हो जाता एगो चुनता था इसलिए क्वेश्चन देख के अब बताना कि हमको आता है हमको होता है हमको होता है ऐसे नहीं करना ये तो पढ़ लेना डी तक पहुंच जाना तो ऐसे हो जाता है गलती ठीक है। और इसी के साथ जय हो।